गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभापति महोदय। दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बिल के चर्चा में सत्ता पक्ष से अभी तक माननीय गृह मंत्री ने अपनी बात रखी और एक वरिष्ठ सांसद ने अपनी बात रखी, लेकिन दिल्ली वालों की और दिल्ली की समस्याओं के बारे में उन्होंने कुछ विवरण नहीं किया। विभिन्न प्रकार के समस्या आज दिल्ली राज्य में है। अभी कुछ महीने में गर्मी का समय आएगा, गर्मी के महीने आएंगे और दिल्ली के लोगों के पास पीने का पानी नहीं मिलेगा। टैंकर आएंगे, टैंकर माफिया चलेंगे, पावर कट होंगे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे समस्याएं आएंगे। कूड़ा का तो समस्या है ही। आज ईस्ट दिल्ली में जो गाजीपुर पर जो कूड़ादान है, वेस्ट माउंड है, वो शायद एक टाइम पे कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा होने वाला है। सैनिटेशन की बात नहीं करेंगे। स्वच्छ भारत का नारा तो निकाल लिया, लेकिन स्वच्छ भारत में महिलाओं के लिए जितना टॉयलेट होना चाहिए, आज के तारीख में दिल्ली में टॉयलेट नहीं है। एमसीडी को लेके आज भी बहुत से कंप्लेंट्स आ रहे हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के स्ट्रे एनिमल्स को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं, सुवेज ड्रेनेज टॉयलेट्स लाइसेंसेस को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं, और खास करके धरना और घेराव करना, ये इसके बाहर कोई विकल्प नहीं रहा दिल्ली के एमसीडी कर्मचारियों के लिए। हर साल हर महीने कोई ना कोई एमसीडी का कर्मचारी धरना पर बैठा हुआ है, घेराव कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है। वो चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, ड्राइवर हो, और इनके जो ये जो कहते हैं कि ये सिर्फ राज्य सरकार की विफलता का कारण है, ये बात नहीं है। आज आप डॉक्टर कर्मचारी जितना मांग राज्य सरकार से करते हैं, उतना ही मांग केंद्र सरकार से भी करते हैं। हम सबने देखा है कोरोना समय में जब सेकेंड वेव आया था, दिल्ली के अस्पतालों में कितना दुर्दशा था, उसका कुछ तो आज बोलते। एमसीडी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था। पूरी तरीके से दिल्ली जो देश की राजधानी है, कोविड के समय कलैप्स हो गया था। एम्बुलेंस आ रहे थे पर एम्बुलेंस समय पे लोगों के पास नहीं जा रहा था। इसका विवरण होना चाहिए था आज कि किस प्रकार से ये यूनिफिकेशन के द्वारा दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव आएगा। लेकिन आज भी डॉक्टर और नर्सेस को, जिन्होंने कोरोना समय में इस केंद्र सरकार ने कोरोना योद्धा का उनका दर्जा दिया, लेकिन उनके जो वेतन है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल ये निकाल नहीं पा रहे। इनका रुचि कहां है? इनका रुचि सिर्फ राजनीतिक कुश्ती में है, पॉलिटिकल अपमैनशिप में है। दिल्ली की राज्य सरकार और यहां की केंद्र सरकार, इन दोनों के राजनीतिक कुश्ती में घिस रहा है आम दिल्ली वाला। इन दोनों सरकारों के राजनीतिक कुश्ती में दिल्ली, जो हमारी भारत देश की राजधानी है, जो जिस प्रकार से चमकनी चाहिए, हर प्रकार हर समय कहीं ना कहीं कोई समस्या है। गर्मी के मौसम में पावर कट, बारिश के समय में वाटर लॉगिंग, और फिर विंटर के समय में वायु प्रदूषण। ऐसा साल का कोई महीना नहीं है जब हम दिल्ली को उसके जो उसकी सौंदर्य है, सुंदरता है, वो नहीं देख पाते। बार बार डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स, हर एक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है जो अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं। और सर, इनके कुछ भी मैंने बातें सुन रहा था, इन्होंने बातें बताई कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी 2011 में चाहती थी कि एमसीडी का बंटवारा हो, तो मैं बड़े अदब से पूछना चाहूंगा, क्योंकि गृह मंत्री के पास सारे तथ्य हैं, क्या 2001 में आदरणीय वीके मल्होत्रा जी ने, उनकी कमिटी थी, क्या उस कमिटी में उन्होंने म्युनिसिपल बॉडी का विभाजन 5 अंग में होना था
ये बात उन्होंने रखी थी कि नहीं रखी थी? आपके ही नेता ने 2006 में, विपक्ष के नेता जो आप थे, जो इस समय में असम के गवर्नर हैं, क्या उन्होंने एमसीडी के 5 कॉर्पोरेशन में होना चाहिए, क्या ये मशवरा उन्होंने 2006 में दिया था कि नहीं दिया था? आपके इतिहास में जाइए, आपके ही वरिष्ठ नेतागण, मैं नाम सबका नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बार उन्होंने ही कहा था कि दिल्ली का एमसीडी का विभाजन होना चाहिए, विशेष रूप से ईस्ट दिल्ली का, क्योंकि ईस्ट दिल्ली वहां पे छोटे गलियां हैं, गांव हैं, ईस्ट दिल्ली की जो मांग है वो दक्षिण दिल्ली से नहीं मिलती। तो आपके अपने इतिहास में अपने बड़े दिग्गज नेताओं का भाषण देखिए, वहां पे आपको मिलेगा कि ईस्ट दिल्ली के लिए आप लोग एक सेपरेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मांग कर रहे थे। आप आज अपने ही इतिहास पर एक यू टर्न मार रहे हैं, यूनिफिकेशन की बात करते हैं, पर यह अभी भी पूरी तरीके से यूनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड अलग है अभी भी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल अलग है अभी भी, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ का है, लेकिन अब भी 3 बॉडीज हैं, अभी भी कंटोनमेंट बोर्ड अलग होगा, अभी भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल अलग होगा, अभी भी आपके ये एमसीडी यूनिफिकेशन के बाद ये अलग एक बॉडी होगी। तो दिल्ली की जो विकास की जो समस्या है कि मल्टीपल एजेंसीज हैं, वो विकास की समस्या आज भी रहेंगे। आपने बजट की बात की, आपने कहा कि जिस समय कांग्रेस ने एमसीडी का विभाजन किया तो हमने नहीं देखा, हमने नहीं परखा कि ईस्ट दिल्ली की बजट इतनी नहीं होगी, नॉर्थ की बजट इतनी नहीं होगी, हमने नहीं देखा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने देखा है अभी क्या है हालत? 3 कॉर्पोरेशन डेफिसिट में है, साउथ भी डेफिसिट में है, ईस्ट भी डेफिसिट में है, नॉर्थ भी डेफिसिट में है। साउथ का डेफिसिट 2019-20 से लगभग 1,000 करोड़ तक जा चुका है, ईस्ट का डेफिसिट लगभग 500 करोड़ का है, नॉर्थ का डेफिसिट 2020-21 में 319 करोड़ का है। आपका तो यही लॉजिक है कि तीनों एक साथ हो जाएंगे और जो साउथ में इतना रेवेन्यू जनरेट होता है वो ईस्ट और नॉर्थ को भी सब्सिडाइज करेगा, ये बात सही नहीं है। आप आज भी डेफिसिट में है और इस यूनिफिकेशन के बाद भी ये कॉर्पोरेशन केंद्र सरकार के पास आएगी पैकेज मांगने के लिए। क्या गृह मंत्री बोलेंगे कि इसके बाद ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वित्तीय परिस्थिति इतनी सशक्त होगी कि केंद्र सरकार से उनको बजट नहीं चाहिए होगा, कोई स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए होगा? ये स्पेशल पैकेज जो विभिन्न समय में इतिहास में केंद्र सरकार देती थी, राज्य सरकार देती थी, क्या ये बंद हो जाएगा? नहीं। तो ये जो मंशा, ये जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग इससे आप बेहतर नहीं होने वाला, अभी भी डेफिसिट में है। और डेफिसिट क्यों है? आपके पहले प्रवक्ता ने तो पूरा राज्य सरकार पे आपने पूरा अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आउटसोर्स कर दिया। एमसीडी कौन चला रहा है? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सत्ता पक्ष की पार्टी चला रही है। क्यों आप अपने टैक्स कलेक्शन में आप अपने आप को सुधार नहीं लाते? क्यों बार बार वहां पे करप्शन की वहां पे हमको खबर आती है? सर, आज समय है कि विभिन्न जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो गुहार लगाते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिर्फ लफ्जों में नहीं अपने कर्मों में दिखाए, लेकिन दिखता नहीं है। और उसका टाइमिंग की बात तो सभी लोगों ने बोल दिया, मैं भी अपने रिकॉर्ड पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर इलेक्शन के लिए लगभग बस 2 महीने हैं, अगर उनको लगता है कि यूनिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है तो पिछले साल करते, या 2 महीने के निर्वाचन के बाद आप उसमें ले आते केंद्र सरकार से निर्वाचन का फलाफल का नतीजा जो भी हो, अभी क्यों लाए? और ऐसे एक जाल में डाल दिया डिलिमिटेशन के द्वारा, ऐसे एक जाल में डाल दिया जिससे कि निर्वाचन ना हो, तो अंत में जाके भुगतेगा कौन? भुगतेगा दिल्ली का नागरिक, भुगतेगा शाहदरा का आदमी, भुगतेगा हमारा डरजफगढ़ के लोग, कि जब उनके पास पानी की समस्या होंगी तो क्या वो स्पेशल ऑफिसर के पास जाएंगे? क्या वो गृह मंत्री के पास जाएंगे? क्या गृह मंत्रालय आज ईस्ट जोन में कहां गलियां हैं, साउथ में कहां ट्रक से पानी पहुंचाया जा सकता है, क्या ये आप लोग देखेंगे? आज आप एक जो
2,272 कॉपरेटर्स है यहां पे, इनके अंदर ये लोग भी आज ढंग से काम नहीं कर पाते, क्योंकि 35 आईएएस ऑफिसर्स देखना होता है, विभिन्न उनका डिमांड देखना होता है। जब 272 ऑफिसर्स आर नॉट इनफ टू हैंडल द प्रॉब्लम्स एंड द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट दे हैव, हाउ विल 250 बी सफिशियंट? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस लॉजिक कि एज पर जनसंख्या आपका लोगों का बढ़ना चाहिए, पर आप नहीं देख पा रहे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक विस्तार रूप से यहां पे चर्चा हो। हमारे वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी जी ने उल्लेख किया है आर्टिकल 239AA का, सर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पे भी चर्चा होना चाहिए कि किस प्रकार से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 239AA का जो मूल अर्थ है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। सर आज आपने देखा कि इस बिल में उन्होंने एक डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज उसको भी हटा दिया है। क्यों हटाने की जरूरत पड़ी? डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज का जो जिम्मेवारी है कि है वो तीनों बॉडीज के बीच में वो कोऑर्डिनेशन करे, वो कोऑर्डिनेशन अब वो हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं सर एक तो होगा, लेकिन मांगे जो ईस्ट को, जो मैंने पहले बोले ईस्ट के डिमांड अलग होते हैं, वेस्ट के डिमांड अलग होते हैं। मुझे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे नहीं लगता कि आपने अभी जो ढांचा बनाया है इससे भी सारे समस्या समाधान हो जाएंगे। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप बता दीजिए अपने उत्तर में कि पानी की समस्या, सैनिटेशन की समस्या, फाइनेंशियल डेफिसिट की समस्या आपके नए डिजाइन में जो आपका जो संकल्प है उसमें कैसे ये हो जाएगा, मैं आपके उत्तर के लिए मैं इंतजार करूंगा। सर दूसरी बात यह है कि इससे पहले राज्य सरकार हमने भी चलाया है, जब हमने दिल्ली में कांग्रेस की राज्य सरकार थी इनके भी एमसीडी भाजपा की सत्ता पक्ष की होती थी, लेकिन उसके बाद भी जैसे मंत्री महोदय ने अपने बात में रखा, हम भी दलगत राजनीति के ऊपर उठकर, कांग्रेस की सरकार ने भी अपने समय में 2010 में वित्तीय पैकेज दिया है, हमने ये नहीं देखा कि एमसीडी किसका है। अगर जरूरत पड़ी तो हमने दिल्ली सरकार ने रास्ते बनाए और एमसीडी के द्वारा वहां पे स्ट्रीट लाइट लगाई, हमने अपनी जिम्मेदारी में भागीदारी ली, भाग भाग किया, यही तो है, इससे ही तो प्रशासन चलता है ना। आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अकेले दिल्ली चला सकती है, ना राज्य सरकार अकेला दिल्ली चला सकता है, ना केंद्र सरकार, ना गृह मंत्रालय अकेला दिल्ली चला सकता है। तो सर मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन विभिन्न प्रकार की कमेटी बैठी है। 1989 में भी बालकृष्ण की कमेटी थी, उन्होंने भी विभाजन की बात की थी। 2001 में भी वीरेंद्र प्रकाश की कमेटी थी, उन्होंने भी विभाजन की बात की, पर बात विभाजन या एकजुट करने का नहीं है, बात है शासन की, बात है दिल्ली के कर्मचारियों के बारे में, बात है दिल्ली नागरिकों के विकास के बारे में। अगर आपके इस मॉडल से होगा तो हम इसको स्वागत करेंगे, लेकिन ये सिर्फ निर्वाचन को ढकेलने के लिए और आपके राजनीतिक कुश्ती, राजनीतिक तूतू करने के लिए अगर ये है तो सर इससे दिल्ली नागरिक का विकास नहीं होगा। हम उठे हैं हमेशा कि हमको सत्ता हमारे साथ हो दिल्ली में या ना हो, लेकिन दिल्ली लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं इन दोनों सरकारों के राजनीतिक कुश्ती के साथ। इसी के साथ मैं आशा करूंगा कि अलग प्रकार के आज भी सर इस बिल आने के बाद भी मेन जो प्रॉब्लम रहेगा वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, तो इसके बावजूद भी, इस बिल के बावजूद भी केंद्र सरकार आने वाले समय में कोई स्पेशल पैकेज लाए, फाइनेंशियल पैकेज लाए सैलरीज के लिए अलग प्रकार से, जैसे उन्होंने स्टेट्स को वो अराउंड 438 रुपीज देते हैं पर पर्सन, दिल्ली के लिए भी, इवन दो इज यूटी बट दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल, डोंट ट्रीट दिल्ली लाइक एन ऑर्डिनरी यूटी, डोंट ट्रीट दिल्ली ऑन द सेम पर एज अदर यूटी, दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल, सो शो सम फ्लेक्सिबिलिटी, पे गिव सम पार्ट ऑफ योर रिसोर्सेज पर पर्सन एज यू ड्यू टू म्युनिसिपालिटीज ऑफ अदर स्टेट्स, एंड अगेन सेंट्रल एलोकेशन शुड बी रिवाइज एवरी 5 years टू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। विद दैट सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम एंड अलाउइंग मी टू रेज दीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गोगोई जी। नेक्स्ट